ये कहना अमेरिका की तरफ से कि की स्ट्रेटेजिक पार्टनर है और बड़ी तफसीली इसके ऊपर गुफ्तगू फरमाई है उन्होंने, तो मतलब ये कि जो इंडिया है वो हर जगह पर छाया हुआ है, ऐसे ही नजर आ रहा है। देखिए, इस वक्त जो किरबी साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में इंडिया को कहा कि वो हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर रहेगा, ये उनकी मजबूरी है ये कहना। उसकी वजह ये है कि एक तो फिफ्थ लार्जेस्ट इकॉनमी दुनिया की, नंबर दो ये कि जो भारतीय डायस्पोरा है, जो उनका इन्फ्लुएंस है इस वक्त वॉशिंगटन डीसी में, वो या अगर ज्यादा नहीं है इसराइल से तो उससे कम भी नहीं, मैं इसको इस तरह कहूंगा। तो इस वक्त अमेरिकन की मजबूरी है कि वो भारत के साथ चलें, चाहे जैसे भी चले। मैं यहाँ पे ये मजबूरी का लफ्ज इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ, आपको शायद याद होगा ऐसे कुछ अर्सा पहले इन्होंने उनको यूनाइटेड नेशन प्लस की मेंबरशिप ऑफर की थी, विच इंडिया टर्न इट डाउन। लेकिन उससे रिलेशनशिप उनके खराब नहीं हुए थे। वो इस वक्त दुनिया में देखा है, मैं समझता हूं कि इंडिया इज द ओनली राइजिंग पावर है जो अपने टर्म्स पर रिलेशनशिप चलाता है, और किस खूबसूरती से चला रहा है। अब देखें, ईरान से वो रशिया से तेल भी लेते रहे, उनसे S-400 भी ले लिया उन्होंने, टर्की लेता गया S-400 तो उस पर फॉरन सेंक्शन लगा दी गई। तो इस वक्त जो मैं समझता हूं कि उनकी एक तो फॉरन पॉलिसी, उनकी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ और उनका इन हाउस, उनका हाउस के अंदर उनकी सपोर्ट या ग्रिप उनकी सब्जेक्ट, देखिए आपकी दुनिया में पिजराई या इज्जत तब होती है जब आपके साथ आपके मैसेज साथ हो, आपके पास एक ह्यूज मैंडेट हो, आपकी इकॉनमी स्ट्रांग हो, ये सारी चीजें तब होती हैं। तो मेरे ख्याल में इसकी बहुत बड़ी मिसाल है। इसके साथ ही करबी साहब ने एक और भी स्टेटमेंट दी है जो मैं बताना चाहूंगा कि इसराइल के साथ किस तरह बिहेव करते हैं वो। आज देखा गया है कि कल से चल रही बात के बीबी नतन्याहू ने कहा था कि हम गाजा पे काबिज रहना चाहते हैं फॉर लॉन्ग पीरियड टाइम, तो उसके रिएक्शन में बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा है कि वो हम इसको अप्रूव नहीं करेंगे, हम इसको सपोर्ट नहीं करेंगे। तो आज इन्हें किरबी साहब ने उनको कहा है कि वी हैव डिसएग्रीमेंट बट वी आर फ्रेंड्स, एंड फ्रेंड्स यू नो डोंट हैव टू एग्री ऑन एवरीथिंग। दिस इज एग्जैक्टली उनकी स्टेटमेंट थी कि दोस्त हर चीज पे एग्री नहीं करते बट वी स्टिल फ्रेंड्स। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि चाहे इसराइल जो मर्जी करे, यहां पे अक्सर कहा जाता था कि अनकंडीशनल सपोर्ट ऑफ इसराइल, चाहे इसराइल स्याह करे सफेद करे, हमने सपोर्ट देनी ही देनी है उनको। दिस इज द पार्ट। अब बिल्कुल एग्जैक्टली उसी पॉइंट पे अमेरिका जो है वो भारत के साथ भी जाता जा रहा है, चाहे वो रशिया से S-400 लें, चाहे वो रशिया से तेल लें, चाहे ये उस पे सैंक्शंस लगाएं रशिया पे, चाहे जो मर्जी करें, लेकिन इनकी मजबूरी बन चुकी है वो। साड़ी साहब यहां तक कहा उन्होंने जॉन किर्बी साहब ने कि ये जो है जो हमारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है और कितना वो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। जब नरेंद्र मोदी साहब अमेरिका आए थे तो आपने देखा नहीं था, उन्होंने कहा आपने देख तो लिया कैसे उनको वेलकम किया गया, इसके बाद कुछ कहने की जरूरत क्या है, ये कहा है उन्होंने। मैं समझता हूँ जो प्रोटोकॉल मोदी साहब को दिया गया था जब वो आए, आज तक मैंने नहीं देखा किसी दूसरे प्रेसिडेंट को इतना प्रोटोकॉल दिया गया। हालांकि जो जो बाइडन है वो बीमार से है, वो चल फिर नहीं सकते। अब अंदाजा लगाया अगर वो चल फिरने के काबिल होते तो वो किस तरह नाचते इनके आगे पीछे। तो वो ये बिल्कुल उनकी बात ठीक है कि इंडिया जो मर्जी करे उनके रिलेशन, अब अमेरिका की मजबूरी है उनके साथ चलना। और जिस तरीके से अमेरिका भारत ने उनके जेहन में ये डाल दिया है कि हमारे बगैर यू आर जीरो इन फ्रंट ऑफ चाइना, हमारे बगैर यू आर जीरो क्लोज टू ताइवान। और उसमें मैं आज एक और बल्कि चीज पढ़ रहा था कि उसमें फंस गया जाके फलस्तीन में और इसराइल के साथ। तो अकॉर्डिंग टू इनका जो जो पिछला अगर देखा जाए, जो इनके थिंक टैंक थे, जो इनके एडवाइजर थे, वो अमेरिका को ये कह रहे थे कि तुम छोटे कॉन्फ्लिक्ट से निकल के बड़ी चीज के पीछे जाओ। मकसद ये था कि आप ये छोटे कॉन्फ्लिक्ट से निकल के चाइना के पीछे जाओ, लेकिन किस बुरे तरीके से अमेरिका। और मैं इतना बहसीते एज एन अमेरिकन, टोनी ब्लिंकन साहब एक एक कंट्री में दिन में दो दो दफा जा रहे हैं और कुछ भी हासिल नहीं हो रहा। जो PLA के जो हमारे पैलेस्टीनियन अथॉरिटी के जो हैं हेड हैं, जो अब्बास साहब, उन्होंने भी कहा, हालांकि वो इज नॉट पॉपुलर एट ऑल। महमूद अब्बास पे तो वो हमला हुआ, बाल बाल बचे, यानी जो वीडियोस चल रही हैं लेजिटली, ये कहा जा रहा है कि उनके पर हमला हुआ, बाल बाल बचे हैं। बिल्कुल, वो क्योंकि उनकी उनकी 2006 के बाद उन्होंने इलेक्शन नहीं लड़ा, 87 ईयर्स ओल्ड है, उनके ऊपर फलस्तीनियों को उनके ऊपर कोई एतमाद नहीं है। और इन्होंने जाके उनकी मिन्नतें की हैं कि आप गाजा में भी आ जाएं, उसको टेक ओवर करें, और फिर उस पर भी उन्होंने कंडीशन रख दी। अभी दो खबरें एक और आई, आपने एक खबर ये दी है, अभी एक दूसरी खबर घंटा दो पहले चली है, अभी उसको सर्टिफाई नहीं किया गया कि बीबी नतन्याहू के नेफ्यू जो है वो हमास की शूटिंग से या फिर वो
किसी फ्रेंडली फायर से मारे गए हैं, ये दो रिसेंट है। लेकिन खबर आ रही है जी, लेकिन साधु साहब सर उसमें ये भी तो देखिए एक और खबर भी आई है सर, फॉक्स न्यूज पे उसकी सारी डिटेल्स भी आई है कि जो हमास के लीडर्स हैं बिलियनियर्स हैं। बिलियनियर्स इसमें कोई शक, वो भी तो देखे ना सर। देखिए मैं बल्कि सोच रहा था पाकिस्तान के साथ कंपेयर कर रहा था उनको कि आप 72 मिलियन आईएमएफ के पैकेज के लिए तलबे चाट रहे हैं उनके, और इस वक्त इस्माइल हानिया जो है वो 4 बिलियन उनकी नेटवर्थ है, खालिद मिशाल वो भी 4 बिलियन है उनकी, और मूसा अबू मारजक जो है उनकी 3 बिलियन नेटवर्थ है। अब मैं ये बताना चाहूंगा, या तो अब हमास को चाहिए कि फॉक्स के ऊपर सू करें, कोई एक एक बिलियन दो दो बिलियन का केस करें इनके ऊपर डेफिमेशन का, ये नहीं कर सकते तो फिर कम एटलीस्ट दुनिया को क्लैरिफिकेशन जरूर दे कि जो इनके इनके ऊपर ये बहुत बड़ी एलिगेशन लगी 4 बिलियन, और उनके अपने प्राइवेट प्लेन्स में वो घूम रहे हैं, किस तरह वो सारा कुछ करें, ये बहुत ये मैं समझता हूँ इट्स अ शॉकिंग थिंग फॉर द इस्लामिक वर्ल्ड, और बिलखसूस जो मेरे मेरे बच्चे जो है वो जो उर्दू के ट्वीट वाले लौंडे लपाड़े हैं वो जो तड़प रहे हैं वहां से कि हम जिहाद करना चाहूंगा। यहाँ पे ये भी ऐड करना चाहूंगा मैं आपको कि वहां टीएलपी वालों ने सुना कुछ स्टेटमेंट दी है कि हमें अगर पाकिस्तान की गवर्नमेंट इजाजत दे तो हम जिहाद के लिए फलस्तीन जाना चाहते हैं, हालांकि खुद टीटीपी के घेरे में है, सुबह शाम मार रही है टीटीपी वहां पे, घेरे डाल डाल के मार रही है, लेकिन उनको तड़प है इतनी फलस्तीन की, उनको बिल्कुल कोई तड़प नहीं है रोहिंग्या मुसलमानों की जो 5-6 साल से जलीलो ख्वार हो रहे हैं, उनको वीगर मुसलमानों की कोई तड़प नहीं है, 20,000 मस्जिदें शहीद कर दी गई चाइना के अंदर, वहां नमाज नहीं पढ़ी जा सकती, मुसलमान दाढ़ी नहीं रख सकता वहां, लेकिन वो टीएलपी वाले दुकान है ना, ये दुकानों का कारोबार है। मौलाना फजलुर रहमान जो है वो पहुंच चुके हैं कतर के अंदर, मिशाल साहब के साथ खड़े होकर तस्वीरें खिंचा रहे हैं, अपनी मार्केटिंग कर रहे हैं, टीएलपी वाले कह रहे हैं कि हम फलस्तीन जिहाद करना चाहते हैं, और साथ जो 200 मील के फासले पर टीएलपी है घेर घेर के मार रही है वहां पे, घेर घेर के मार रही है डेली बेसिस पे, उधर तवज्जो नहीं देनी। लेकिन यही मैं कहता हूं ना, हमारे कुछ 76 साल की हिस्ट्री है, एक दिन की हिस्ट्री नहीं, आलिया दुख के साथ कहूंगा हमारे 76 साल की हिस्ट्री नहीं है, 76 साल के ड्रामे हैं, 76 साल की ट्रेजिडीज हैं, और ये भी एक ट्रेजिडी है कि अपने घर को ना देखना कि उसकी हालत क्या है। आज जिस तरह वो हम पहले इस पर बात करना ही चाह रहे थे कि आप फिर इस एक दफा पाकिस्तान घुटनों के बल है, आप तो बता आईएमएफ को जो उन्होंने शॉर्टफॉल अपना बता रहे हैं, इससे पहले मैं अर्ज करना चाह रहा था इस्लामिक वर्ल्ड को जाके मिनतें उनकी कर रहे हैं, उसके बाद एशियन डेवलपमेंट बैंक की मिनतें कर रहे हैं, फिर अब सऊदी अरेबिया और यूएई के पांव फिर छुएंगे जाके ये। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं कि पैसा जा कहां रहा है, ये डॉलर कहां जा रहे हैं, पाकिस्तान में तो डॉलर नहीं पहुंच रहा है सारा। और सादी साहब इसी के साथ जो खबर मैंने आपके सामने रखी है, क्या मतलब देखिए ना साथ साथ दो कंट्रीज, एक तरफ हम ये देख रहे हैं कि एक बार फिर उसी उसमें हम आ चुके हैं, लेकिन दूसरी तरफ इंडिया से ब्लूमबर्ग की खबर ये आती है कि वहां पर जो टैक्स है वो विंडफॉल इतना हुआ है, इतना टैक्सेस कहा गया विल एक्सीड बजटेड प्रोजेक्शंस, और उसमें अब जो पैसा है कि अब उनकी हुकूमत उसको वेलफेयर पे ज्यादा पैसा जो है वो खर्च करने की उनके पास अवेलेबिलिटी आ चुकी है। तो क्या हम आपको याद होगा हमने टैक्स कितना जमा करने की कोशिश की हमारे मुल्क में, यानी पाकिस्तान में कोई टैक्स नहीं देता, ले नहीं पाते, ये हाल है मुल्क का इसके बावजूद, और वहां पर टैक्स इतना, तो ये मतलब क्या डीएनए का फर्क है, क्या फर्क है सर? डीएनए का फर्क, डीएनए का फर्क है, सोच का फर्क है। जिस तरह मैंने आपको अर्ज की थी कि उनके इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से लोग पढ़ के आके अमेरिका चला रहे हैं, हमारे यहाँ ऑक्सफोर्ड से हार्वर्ड से पढ़ के, आपके हर डिपार्टमेंट का जो सेक्रेटरी है सीएसएस अफसर वो हार्वर्ड का ग्रेजुएट है, ऑक्सफोर्ड का है, या बाहर की डिग्री है उसके पास, अमेरिका की या इंग्लैंड की, और लूट रहा है जाकर पाकिस्तान, अफसोस के साथ कहूंगा। हर डिपार्टमेंट आपका जो है बैंकरप्ट है, हर डिपार्टमेंट, और उसको चलाने वाला जो फॉरेन ग्रेजुएट है, दुख के साथ ये कहूंगा। लेकिन एक और बात मेरे जहन में आई, बात कि वो उनका 18% टैक्स हाइस आया है तो वो वेलफेयर की सोचने लगाने, पहले मोदी साहब को जो गिफ्ट मिलते हैं, मेरे जहन में फौरन ये बात आई, आपके तोशाखाना के सारे वजीर आजम जेलों में, हर एक ऊपर एलिगेशन है, उनके पास जो गिफ्ट जाते हैं उनको वो बेच के लड़कियों की एजुकेशन पे पैसा लगाया जाता है। और दूसरी बात ये कहूंगा आपको कि आप हमें अब भारत से कुछ हम कुछ नहीं सीख सकते, पता तो हमें सारा है, लेकिन वजह ये है उनके वजीर आजम, उनके जजेस, उनके जर्नैल कहां है, सारे भारत में बैठे, सारे भारत में बैठे। हमारा तो लंदन से जाता है, एक त्यारे से उतरता है, दूसरे त्यारे से बैठ के लंदन वापस चला जाता है वजीर आजम।
रिश्तेदार इमरान खान साहब के, इमरान खान साहब के बच्चे देख लें वो लंदन में बैठे हैं, एक वजीर आजम का भाई आया है दूसरा चला गया है, मेरा पता नहीं ये क्या हो क्या रहा है पाकिस्तान के साथ। मैंने तो बिल्कुल समय से नहीं बाला तर है, बल्कि आज आप आज के पाकिस्तान में एक सबसे बड़ी खबर दूसरी भी आज बहुत चल रही है इस वक्त बड़ी, वो जो इस वक्त पिछले ISI हेड के खिलाफ जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो है उस पे भी मैं थोड़ा सा बोलना चाहूंगा आलिया, जो मुझे उसमें से नजर आया। वो टॉप सिटी के जो मालिक थे वो, उनके पास सुना है फरारी गाड़ी है गोल्ड प्लेटेड, इतना पैसा है उस बंदे के पास, उसको घर में घुस के मारा गया, उसका सुसर मारा, उसका सुसर जो है वो तो बेचारा फौत हो चुका है, उनको इतना मारा गया है, जो कुछ भी किया गया। कमर मुईज उनका नाम, 2017 में उसके घर में घुस के मारा गया उसको, आज 2023 है, आज सुप्रीम कोर्ट में केस उसका लगा। द मैन हुज रिचेस्ट इन इस्लामाबाद द कैपिटल सिटी, 5 साल बाद उसका केस सुप्रीम कोर्ट ने सुना है। ये अगर ये हालात हैं, मैं ये आप आज ये बात कहना चाहूंगा, पाकिस्तान में किस तरह कोई आके पैसा लगाएगा यहां से, बल्कि वो मैं समझता हूं कमर मुईज जैसे लोग भाग रहे हैं, मुझे डेली फोन करते हैं इस तरह के लोग रोजाना कि यार बताओ अमेरिका में सेटल हो आके, कैनेडा जाए या ऑस्ट्रेलिया जाए, और भाग बचा रहे। मैं खुद आज हैरान हो गया हूं कि किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के जज बुला के उनको अपने रिटायरिंग रूम में किस तरह फैसले करते रहे, किस तरह बशीर मेमन साहब को कहते रहे कि इनको पकड़ो गिरफ्तार करो, किस तरह फिर उसको मारते रहे हैं, फिर 45 दिन कैपिटल सिटी में। और आज मैं समझता हूं कि बड़ी बात है जो आज हर टीवी चैनल पर चला है सारा कुछ, क्या ये चेहरा है एस्टेब्लिशमेंट का, क्या ये पाकिस्तान है जिसके बारे में मैं अल ऐलान कहता हूं कि आपने 1947 में पाकिस्तान बनाया ही नहीं है, आपने धोखा किया लोगों के साथ। इस तरह होता है कंट्रीज के अंदर, कैपिटल में एक अमीर तरीन आदमी है, सोर्सेज रिसोर्सेज है, उसके ब्रदर इन लॉ को बुला के, वो भी एक फौजी था, उसको भी धमकियां देते रहे, तो पूछने वाला ही कोई नहीं है। I'm quite surprised, वो हसन निसार है ना, उन्होंने वो प्रोग्राम में कह दिया कि मेरा मुल्क ये नहीं है, मेरा मुल्क, मैं यहाँ का नहीं हूँ। आपको पता है उन्होंने पहले DNA भी करवाया, वो कहते हैं कहीं और का निकला है, वो उनके ऊपर खूब लानतान हो रही है कि देखिए इन्होंने क्या कहा है। तो सर हो सकता है उनका DNA जजीरा इंडमान का निकल आया हो। देखिए DNA तो देखा जाए तो, मैं छोटी सी बात कहूंगा, मेरे खिलाफ भी लोग बड़ी बातें करते हैं आलिया, देखा जाए तो हमारा DNA जो है, देखे पहाड़ियों से जब उतरते थे वो हमारे भाईजान उतरते थे, अफगानी या जो कुछ भी उतरते, सबसे पहला बैटल ग्राउंड तो पंजाब आता था, पंजाब के अंदर आके सेटल होते थे, सारी जंगें अपनी सेटल करते थे वो, तो हम तो सारा मिक्सचर है। अगर आप अपना DNA चेक कराएं तो 6 किस्म के नाम निकल आएंगे। लेकिन मैं ये अर्ज करना चाहता हूं कि हम 10 मील से भी पाकिस्तानी नजर आते हैं, हमारे खाने पाकिस्तानी, सोचे पाकिस्तानी है, हम नजर ये इस चीज से डिनाई हम नहीं कर पाएंगे, कर सकेंगे कि हम पाकिस्तानी नहीं है। मैं तो यहां अमेरिकन हूं, 36 साल से बैठा हूं, लेकिन मसला ये है कि मैं पाकिस्तान को किस तरह छोड़ सकता हूं जहां मेरा DNA, मैं जो मेरी नेशनैलिटी है बाय बर्थ। लेकिन मैं ये कहता हूं कि क्या किसी दुनिया के और मुल्क में इस तरह का कुछ हो रहा है? लेकिन सर देखिए सर, जो हमारे जिनको स्कॉलर्स कहा जाता है, क्या एसेट्स हैं, जैद हामिद साहब की एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें वो उन्होंने हिंदुओं को और उनको इतना बुरा भला कहा, उन्होंने कहा है कि ये तो हमारी बड़ी ह्यूमिलेशन की बात है हमारे लिए कि हमारे नेबर्स ऐसे हैं जो ये पीते हैं गाय का वो पीते हैं। तो सर वो तो पता नहीं क्या वो समझते हैं कि अगर हम कहां पर हैं जो आप बात कर रहे हैं और वो कहां पर हैं, ये क्या है सर, जबकि हम जिन हालों को आप बयान कर रहे हैं उसमें। जो आलिया सबसे बड़ा इशू ये है कि पाकिस्तान के अंदर तालीम की कमी, सख्त कमी। अब ये देखें कि पाकिस्तान के अंदर एक भी इंग्लिश चैनल नहीं है, न्यूज़पेपर भी कोई नहीं है, लोगों को जानबूझ के आपकी रूलिंग एलीट जो है उनको अनपढ़ रखना चाहती है, उनकी आंखों पे पट्टियां बांध के रखना चाहती है, और ये भी उसी का रिजल्ट है। और दूसरी आपके साथ ज्यादती ये हुई 1947 में कि जितनी दूसरी माइनॉरिटीज थी वो सारी की सारी आपने भारत की तरफ धकेल दी। वो सारी आपको पता ही नहीं है कि लोगों के साथ हारमनी और पीस और मोहब्बत के साथ किस तरह रहना है। और बार और उसके बाद ये हुआ दूसरा, आपके निसाब में ये चीजें डाल दी गई हैं क्योंकि ये रोजगार था आपका। हिंदुस्तान से, हिंदुओं से नफरत करना कारोबार है, मैं बिल्कुल उसको गारंटी से कह रहा हूं। उसकी वजह ये है कि आपने एक आप जब डिफेंस एक बन गए तो डिफेंस किससे डराना था? आप रोजाना डराते थे अपने पूरे पाकिस्तान को कि अभी आ जाएंगे वो तुम्हें कब्जा कर लेंगे, वो हिंदू ये कर देंगे, सिख ये कर देंगे, सुबह शाम ये प्रचार किया जाता है उसमें, क्यों कारोबार है। लेकिन उसमें यह मैं बात कहना चाहूंगा,
मैं आज वसूख के साथ कहता हूं, अलीगढ़ मैंने मजहब के बारे में बहुत पढ़ा, दुनिया का कोई मजहब भी, कोई मजहब पीरियड, हिंदुइज्म, सिखिज्म, क्रिश्चियनिटी, इस्लाम, जूदाइज्म, नफरत, धोखा, फ्रॉड, इसकी इसका प्रचार नहीं कर सकता। मैं उसको रिलीजन ही नहीं मानूंगा अगर वो किसी को नफरत का प्रचार कर रहा है। तो ये जो लोग करते हैं ये अंडर इन्फ्लुएंस है किसी न किसी चीज के। मैं रोजाना कहता हूं, मैं जट हूं पंजाब से, हमारी एंसेस्ट्री, हम सारे हिंदू थे, हिंदुओं से हम सिख हुए, सिखों से मुसलमान हुए, और फिर हम उन मजहब से किस तरह नफरत उनसे करें, क्यों नफरत उनसे करें भाई? कोई जवाब है इस चीज का? कोई जवाब नहीं। और हम सदियों से इस एरिए में हम रहते रहे इकट्ठे, सदियों से। हाउ इट इज पॉसिबल कि आप उनसे नफरत में इतने आगे चले? यही हमारी नाकामी की एक सबसे बड़ी वजह भी यही है कि हम नफरतों में जाके अपने दिमाग के सोचों के दरवाजे बंद कर देते हैं। यही हमारा इशू है। आज अगर आप आज मैं गारंटी करता हूं इस चीज को कि 76 साल हो गए नफरतें करते हुए, जंगे लड़ी, सारा तमाशा किया, कंट्री तबाह कर दिया, चाहे इनके साथ जंगे लड़के इंडिया के साथ, चाहे अफगानिस्तान में पैसे बनाने के चक्कर में हमने अपना मुल्क सारा तबाह कर लिया। आज अगर एक सेकंड के लिए ये सोच के ये चले, आज मैं गारंटी कर देता हूं कि हमने भारत के साथ रिलेशनशिप बेहतर करने है, उनसे ट्रेड करना है। आज हमने अफगानिस्तान से रिलेशनशिप बेहतर करने, ट्रेड करना है। आज हमने ईरान से रिलेशनशिप ठीक करना है, ट्रेड करना है, स्मगलिंग नहीं करनी, ट्रेड करना है। मैं कहता हूं आपको किसी चीज की जरूरत नहीं रहेगी, लेकिन उसकी अब मैं वजह बता देता हूं, ये आप करेंगे नहीं। क्यों? आप क्योंकि आपके चलाने वाले सारे लंदन बेस हैं, सारे स्मगलर हैं, सारे फ्रॉडी हैं आपको चलाने वाले। और जो टैक्स की बात कर रहे हैं, वो आपके जो जितने टैक्स देने वाले हैं, जो टैक्स चोर हैं सारे, जो बिजली चोर हैं, वो सारे या वजीर हैं या अफसरान हैं, उनको कौन पकड़ेगा? और मैं जिस तरह आपको पहले हमेशा कहता हूं वालिया, कि अब वो इतने ऑर्गेनाइज तरीके से उन्होंने अपने ग्रुपिंग बना ली है इसको लूटने की, उन्होंने शादियां कर ली है एक दूसरों से, अब भाईजान को किस तरह पकड़ेंगे, साले को किस तरह पकड़ेंगे? ये इतना डीप रूटेड है, लेकिन उसके लिए एक इंसान चाहिए, कोई ऐसा पाकिस्तानी, सिर्फ एक चाहिए पाकिस्तान को ठीक करने के लिए। रूपमानी कहां से आएगा? मैं बिल्कुल खुद डिसअपॉइंटेड हूं, मैं बिल्कुल डिसअपॉइंटेड। अच्छा शादी साहब, सर ये आखिरी सवाल मेरा, क्योंकि रहना जाए सर, वो जो आपके ट्रंप साहब हैं सर, उन्होंने तो एक स्टेटमेंट दे दी, उन्होंने कहा खान साहब जो है उन्होंने कासिम सुलेमानी के उस पे जो है उन्होंने कहा था कि जनाब ये तो मैं तो मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा वाक्य है, तो फिर वो घर चले गए और उसके बाद घर से वो एक हफ्ता निकले नहीं। तो सर ये कब कहा था, और टेलीफोनिक कन्वर्सेशन थी, खान साहब ने खुशी में कहा है या गम में कहा है, समझ नहीं आ रही किसी को। खुशी में कहा वो, देखे ना वो, जो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कहा है कि वो खुशी में इतने खुश हो गया कि एक हफ्ता सेलिब्रेट करते रहे सुलेमानी को। लेकिन देखें मैं आज इसके बाद ये मैं कहता हूं कि पाकिस्तान इसको बार बार चलाना चाहिए, क्योंकि मेरे मुर्शिद पाक ने 55 जलसे किए थे साइफर के ऊपर कि इन्होंने मेरी हुकूमत गिराई, 55 जलसे, इस कौम का कितना नुकसान किया उस बंदे ने, सरकारी मिसाइल इस्तेमाल होते रहे उन जलसों के अंदर। और फिर आज डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कह दिया कि भाई सुलेमानी पे मैंने कम सेलिब्रेट किया, इन्होंने ज्यादा सेलिब्रेट किया। सर वो तो मुस्लिम उम्मा के लीडर है, तो उन्होंने सेलिब्रेट किया सुलेमानी की मौत पे, वो लुटिया डालते रहे घर जाके। आज ईरान क्या सोच रहा होगा आपके बारे में, बहुत बड़ी बात है। वो तो लुटिया डालते रहे घर जाके, जर्दा चावल बनाया, लगता है बुशरा बीबी ने जर्दा चावल बनाया होगा कि उन्होंने याद है आज सुलेमानी। जिस तरह डोनाल्ड ट्रंप साहब की बातों से तो ऐसे ही लग रहा है कि वो हफ्ता पूरा सेलिब्रेट करते हैं खुशी में, इतने वो पागल हो गए थे। लेकिन मैं समझता हूँ डोनाल्ड ट्रंप साहब ने तो सारा कुछ निकाल के सामने रख दिया, हो सकता है। लेकिन खान साहब भी अंदर नेटफ्लिक्स तो देखते ही हैं, अखबारें भी पढ़ते हैं, पता चल गया होगा उनको। लेकिन दो चेहरे नजर आते हैं कि हाथी के दांत दिखाने के और खाने के, और ये पता होना चाहिए उन लोगों को जो इश्क में पागल होकर फिर रहे हैं, अपने कपड़े फाड़ रहे हैं, उनको सोचना चाहिए आज कि ये सारे अंदर जब बैठते हैं ना, जब ये पीडीएम बना लेते हैं, तो ये पीडीएम में अंदर बैठ के सारी सीटें आपस में तकसीम करते हैं। अब जिस तरह रिजल्ट हो रहा है, निकल रहा है, 80 सीटें मिलेंगी नून को, 60 मिलेंगी पीपल्स पार्टी को, 30-32 दूसरे को, बल्कि अब तो बातें कुछ और हो रही हैं। जो कल परसों से सियासत का नक्शा कुछ तब्दील होता नजर आ रहा है, जब MQM इकट्ठी हुई है, अब वो सुना है चीफ मिनिस्टर कराची के वो तो बन रहे MQM वाले, और पीपल्स पार्टी का अब सख्ती आ रही है, सुना कि उनको सीटें उनसे छीन के तो इनको दी जा रही है। इलेक्शन बिल्कुल वैसे ही होगा जिस तरह 2018 में हुआ था। लेकिन सर ये जो बात है ना, जो ट्रंप साहब ने कह दी है सर, ये तो बहुत बड़ी मुनाफकत उन्होंने आश्कार कर दी, यानी ये तो देखे ना ऊपर जो है वो तो मतलब तस्बीह तस्बीह तस्बीह, और फिर अंदर जो है वो ऊपर मुस्लिम उम्मा अंदर आप
या फिर ट्रंप साहब को खुश करने के लिए कहा है, समझने सर ये तो अजीब सी बात है, बहुत बड़ी। हालात ये चल रहे हैं, कहते हैं कि मुर्शिद पाक अंदर बैठ के सिर्फ कुरान की तफसीर पढ़ रहे हैं, हालांकि वो सारा दिन नेटफ्लिक्स देखते हैं, बड़ी सीरीज देख रहे हैं, बल्कि अगर 6 महीने और रहे आलिया तो उनके बारे में कहा जाएगा कि इन्होंने कुरान पाक हिफ्ज कर लिया जेल में रह के। लेकिन उसमें बात यह है कि अफसोस है कि मेरा मकसद है कि जब लोगों की आंखों पर पट्टियां बन जाती हैं, मैं गारंटी कर देता हूं कई कह रहे होंगे और नहीं जी नहीं ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से वीडियो बनी है, ये नहीं नहीं सर वो कह रहे हैं कि ट्रंप तो ऐसी झूठी बातें भी कहते थे, उसने कह दिया होगा क्या चल रहा है जी हमें।